हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनांस नो हाउ। में आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ITR 4। ITR 4 कौन कौन भरता है, क्यों भरते हैं, कैसे भरते हैं और इसको किस तरीक़ों से भरा जाता है, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद ITR 4 में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी ऐसे महसूस हो कि आपकी हेल्प हुई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ ITR 4। सो ITR 4 वो होता है जो प्रिजम्प्टिव स्कीम में पैसा इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। प्रिजम्प्टिव इनकम कौन कौन सी होती है, जैसे आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, ठीक है, और आपको बुक्स वगैरह सब मेंटेन नहीं करनी, आपको सिर्फ एक अमाउंट है उसका परसेंटेज जो होगा वो आपका इनकम होगा, रेवेन्यू का कुछ 8% या 6%। 8% कब, अगर आप अदर देन कैश पे पेमेंट ले रहे हैं तो आपके टोटल रेवेन्यू का 8% आपकी टोटल इनकम कहलाती है और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना है। और अगर आप पूरा पेमेंट ऑनलाइन लेते हैं तो उसका 6% आपकी टोटल इनकम होगी और उसके ऊपर टैक्स भरना है। सो ऐसे जो लोग टैक्स भरते हैं उनको ITR 4 भरना होता है, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ITR 3 भरना होगा, ठीक है। ITR 3 हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 4? ITR कौन कौन से लोग भर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गए, HUF हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, हुज टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड है, या तो बिजनेस इनकम हो अंडर सेक्शन 44AD और 44AE, ठीक है, या उनकी इनकम हो प्रोफेशनल प्रोफेशन से हो। 44AD प्रोफेशन कौन सा हो गया, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो भी प्रोफेशनल्स होता है उनकी इनकम, ठीक है। और अगर तीसरी, अगर आपकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, अप टू 50 लाख रुपीज़, 50 लाख से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो वो भी अप टू 50 लाख तक होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड कैसेज अंडर दिस एड, ठीक है। तो 50 लाख तक एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैविंग अप टू 50 लाख, 50 लाख तक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी अलाउड है, एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम द लॉटरी और इनकम फ्रॉम द हॉर्स रेसेस, ये दोनों नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सो उसके अंदर एक नोट है, जैसे फ्री लांसर इंगेज इन द अबव प्रोफेशन कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। अगर आप फ्री लांसर हो तो आपकी कुछ पैसे हो रहे तो आप इसके अंदर ITR भर सकते हो, ठीक है। इफ़ देयर ग्रोस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, आपकी जो रिसिप्ट है टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट 50 लाख से कम होगी तभी आप ITR 4 भर सकते हो, ठीक है। अब हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2021। जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे ITR 4 में ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि कौन कौन से लोग ITR 4 नहीं भर सकते, तो इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि ITR 4 कौन कौन लोग भर सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं भर सकते। सो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है और अदर सोर्सेज से है और वो टोटल मिला के 50 लाख से ऊपर है, ऐसे लोग ITR 4 नहीं भर सकते। सेकंड, ऐसे इंडिविजुअल हु इज़ आइदर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्म, तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, ठीक है। फिर ITR 4 असेसमेंट ईयर 1920, ठीक है। एंड इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फॉर्म तीनों हुज बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स, अगर आपकी ऑडिट कंपल्सरी है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख के आपको ITR 4 भरना है। अब चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ITR 4? ITR 4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा फर्स्ट पार्ट होता है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है और भी 4 पार्ट में। तो पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर आपका ग्रोस टोटल इनकम फ्रॉम द 5 हेड्स, 5 हेड्स में जितनी भी आपकी इनकम है सब का एक्सप्लेनेशन देना है। फिर रहता है ITR 4 ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। फिर पार्ट सी के अंदर डिडक्शन एंड टोटल टैक्सेबल इनकम, डिडक्शन क्या क्या हो गए, ATC के अंदर आपके Chapter 6 से वाले डिडक्शंस वो सब निकल गए, उसके बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और पार्ट डी, टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स स्टेटस, ठीक है। एक तो टैक्स कंप्यूटेशन आ जाएगा और अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो लायबिलिटी आ जाएगी, स्टेटस में आपका
अगर कोई रिफंड है तो रिफंड आ जाएगा। फिर एक है शेड्यूल बीपी, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपको अपने बिजनेस इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी। तो फॉर असेसमेंट 89 फॉर्म मॉडिफाई हो चुका है, इसमें आपको रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर एक तो आईटी का शेड्यूल होता है जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अगर कोई कर रखा है तो उसकी डिटेल होती है, ठीक है। अगर कोई टीसीएस है तो उसकी डिटेल होगी, अगर आपने कोई टीडीएस पे कर रखा है तो उसकी डिटेल होती है, सैलरी का टीडीएस, फिर अदर सोर्सेज की टीडीएस, ठीक है, उन सब की डिटेल होती है। फिर शेड्यूल डीआई होता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट कुछ कर रखा है आपने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, ठीक है, तो उनका डिटेल दे रखी होती है। फिर द हाउ डू आई फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न, तो दो प्रकार से भर सकते हैं, एक तो ऑफलाइन भी भर सकते हो आप। ऑफलाइन कैसे भरेंगे, तो आईटीआर फॉर्म कैन बी फिल्ड ऑफलाइन ओनली इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक तो इंडिविजुअल हुज एज 80 ईयर्स और मोर, द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 5 लाख एंड हु डू नॉट हैव टू क्लेम अ रिफंड इन द इनकम टैक्स रिटर्न, सो रिटर्न कैन बी फाइल्ड ऑफलाइन बाई फर्नाइशिंग अ रिटर्न इन फिजिकल पेपर फॉर्म बी। By furnishing a barcoded return, the income tax department will issue you an acknowledgement at the time of submission of your physical paper return. तो आप ऐसे ऑफलाइन रिटर्न भर सकते हो। ऑनलाइन कैसे भरना है, इलेक्ट्रॉनिकली, तो वहाँ पर काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ होती है, उनके थ्रू आप भर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना होता है 120 डेज के अंदर। आप आधार OTP से कर सकते हो, डीमैट अकाउंट से कर सकते हो, और बैंक अकाउंट के OTP से भी वेरीफाई कर सकते हो। सो मैं इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, वेरीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और आप सेंड भी कर सकते हो बेंगलोर के ऑफिस में सिग्नेचर करके उस फॉर्म को, ठीक है। छठा मेजर क्वेश्चन आता है कि जो असेसमेंट ईयर 2021 है उसके ITR 4 में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो मेजर चेंजेस कुछ कमी हैं, जैसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर हु मीट द क्राइटेरिया, सपोज उसने कैश डिपॉजिट करवाया है 1 करोड़ से ज़्यादा किसी भी बैंक में, और उसने एक्सपेंस किया है 2 लाख से ज़्यादा अगर फॉरेन ट्रिप में, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो सारे के अंदर एप्लीकेबल है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा आया पूरे साल में, और टैक्स पेयर शुड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे यस करनी पड़ेगी और उस केस में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन हैज़ बीन सेग्रीगेटेड बिटवीन नॉर्मल फाइलिंग एंड फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, ठीक है। अगर आपने शेड्यूल 6 से के अंदर जो अगर आपने कुछ 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक अगर कोई पैसा जमा कराया है डिडक्शन, तो तब भी आपको चैप्टर 6 से के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, हाँ मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक PPF, LIC वगैरह में पैसा जमा करवाया है, तो उससे आपका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ITR 4 फाइल करना, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो भी एप्लीकेबिलिटी है मैंने एक्सप्लेन कर दी है, अगर फिर भी आपको ITR 4 भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेरे ईमेल finance know how जो है मैथमेटिकल वर्ड है 9 howhowhow@gmail.com पे आप मेरे को ईमेल लिख सकते हैं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। कॉमेंट करिए और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। थैंक यू।